कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी हमारे पिछले पॉके क्विज के विनर। इसीलिए गाइस आप सबको मैंने किया वीडियो के स्टार्टिंग में फीचर, एंड गाइस आप सभी को मिलता है एक प्यारा सा शाउट आउट। एंड गाइस अगर आपको भी हमारे अगले वीडियो के अंदर फीचर होना है तो इस वीडियो के लास्ट में एक पॉके क्विज आएगा, आपको सिंपल से उसका आंसर कमेंट्स के अंदर डाल देना है। सो हे डियर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आपको पता ही होगा आयश वर्सेस सिंथिया की सेमीफाइनल बैटल होने वाली है गाइस, सेकंड सेमीफाइनल होने वाली है मास्टर्स टूर्नामेंट के अंदर, जो कि एक 6 vs 6 पोकेमोन की एक बहुत ही बड़ी एंड ऑसम बैटल होने वाली है। एंड उस बैटल के अंदर हमें इतना तो कन्फर्म है कि सिंथिया जो गाइस उस बैटल के अंदर अपने मेगा गार्चम को यूज करने वाली है। लेकिन गाइस आयश जो उस बैटल के अंदर अपने 6 पोकेमोन यूज करने वाला है, उन 6 पोकेमोन में से 3 पोकेमोन कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है कि आयश उस मेगा मैच के अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा। सो गाइस कुछ दिनों पहले कुछ र्यूमर्स आ रहे थे जिनके अकॉर्डिंग आयश सिंथिया वाले बैटल के अंदर अपने जी मैक्स बैंड का यूज करने वाला है, यानी कि आयश अपने गेंगार को जी मैक्स गेंगार करने वाला है। लेकिन गाइज वो सिर्फ र्यूमर्स थे। सो गाइज कुछ मतलब जो है गाइज कल कुछ गाइज न्यू मर्चेंडाइज पोकेमोन की अपकमिंग मर्चेंडाइज की कुछ फोटो लीक हो चुके, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइज ये पोकेमोन का कौन सा मर्चेंडाइज है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके कवर फोटो के ऊपर आप देख सकते हो गाइज हमें देखने को मिल रहा है ऐश एंड उसका मेगा लुकारियो, एंड उसके दूसरे साइड में हमें देखने को मिल रहा है सिंथिया एंड उसका मेगा गार्चोम। एंड गाइस इन दोनों की बैटल होने वाली है, ये मर्च गाइस अगले हफ्ते आने वाला है। सो गाइस एक प्रमोशन मर्चेंडाइज है जो कि होगा गाइस ऐश वर्सेस सिंथिया के मैच का प्रमोशन। सो गाइस पर्सनली मैं जो गाइस ऐश के ड्रैगनाइट वर्सेस मेगा गार्चोम की बैटल देखना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि जो इस बैटल के अंदर एटलीस्ट जो है मेगा लुकारियो का यूज ना हो। लेकिन इस मर्चेंडाइज को देखने के बाद तो मुझे लगता है कि ये बैटल होने वाली गाइस मेगा गार्चोम वर्सेस मेगा लुकारियो, यानी कि शायद इस बैटल का भी जो मेन फोकस है वो ऐश के लुकारियो के ऊपर ही होगा। मैं पर्सनली चाहता था कि ऐश का ड्रैगनाइट इस बैटल के अंदर चमके, बिकॉज अगर आप देखो तो ऐश के ड्रैगनाइट के पिछले दोनों मैचेस जो है गाइस ड्रैगनाइट बहुत ही गंदी तरह से हारा है। एंड गाइस ये मैं देखना नहीं चाहता है। ऐश का ड्रैगनाइट जितनी उसकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई थी, हर बैटल वो जीत रहा था, लेकिन पिछली हर बैटल वो हार रहा है यार। एंड इस बैटल के अंदर भी शायद से हमें पता नहीं यार वो जीत भी सकता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता था मेन फोकस यानी कि मेगा गार्चोम वर्सेस ड्रैगनाइट की बैटल हो। शायद इस एपिसोड के अंदर भी होगी, लेकिन शायद से उसको हरा देंगे ये लोग गार्चोम से, एंड उसके बाद गार्चोम वर्सेस लुकारियो की बैटल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है लुकारियो अच्छा पोकेमोन है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता था एटलीस्ट थोड़ा फोकस तो जो है ड्रैगनाइट के ऊपर भी रहे। सो दैट्स इट। पर्सनली आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। इन वीडियो के लास्ट में जो पॉकी क्विज है उसका आंसर कमेंट्स के अंदर डाल देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।